हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं मेरी कुछ प्लांटिंग जो टिप्स है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आई लव प्लांटिंग, मुझे प्लांट्स लगाना, उनकी केयर करना बहुत पसंद है। तो ये मैंने कड़ी पत्ता का नया प्लांट लाया था, तो अभी मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। मैं रिपोर्ट करूँगी तो इसका ब्लॉग भी शेयर करूँगी। मैं फ़िलहाल मैं शेयर कर रही हूँ, ये मैं कंपोस्ट लाई थी जो मैं यूज़ करती हूँ प्लांट्स के लिए। और मैं अभी कैप्सिकम की भाजी बना रही थी तो मैंने इसके सीड यूज़ कर लिए। कैप्सिकम का जो ऊपर का पार्ट होता है उसमें सीड होते हैं, वाई टू वेस्ट, तो मैंने उन सीड को मिट्टी में ऐसे लगा दिया है। तो इससे ना प्लांट उग जाएंगे। आप देखना, थोड़े दिन बाद मैं इसका आपको पोस्ट करूँगी, उसका अगला जो अपडेट है वो मैं इसी में मर्ज करूँगी, तो आप देखना इसमें प्लांट्स आ गए हैं। और मैंने इसमें ना ग्रीन चिली के भी सीड डाले थे, तो एक ग्रीन चिली का भी बिग प्लांट आया है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ इसमें। और जो मैं ग्रीन चिली का सीड ली थी वो अमेजोन से था, उसका पैकेट दिखा देती हूँ, किसी को ऑर्डर करना हो तो आप वहाँ से सर्च करके ऑर्डर कर सकते हो। अच्छा था। सी दिस इज़ दिस, जो बड़ा वाला है ना, जो हाँ रेड पॉट के पास, ये वाला ग्रीन चिली का प्लांट आया है जो मैंने उस सीड से लगाए थे। और बाकी कैप्सिकम के जो आसपास देख रहे हो ना आप, ये सब कैप्सिकम के प्लांट्स हैं। और ये रहा सीड का पैकेट, ये किसन ब्रांड का है, किसन सीड्स, और अमेजोन पे मिल जाएगा आपको। अब आपको एक नहीं मिलेगा, दो तीन पैकेट एक साथ मंगाने पड़ते हैं अलग अलग। तो पालक के भी देंगे आपको, धनिया के भी देंगे। तो ये ऐसा दिखता है, इसमें से आप दो चार सीड लेके ऐसे छिड़क दोगे मिट्टी पे तो उसके प्लांट आ जाते हैं। होप आपको ये हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।